इस पे आता है, ये पूरी असेंबली को बोलते हैं ब्रेक कैलिपर, ठीक है। ये पूरी असेंबली आपकी ब्रेक कैलिपर कहलाती है। ये यहीं इसको यहाँ से प्रेस करता है, ये यहाँ पे दबता है और इस साइड का भी दबता है, यहाँ से ये इसको ब्रेक लगता है। ये मेटलिक पाइप है, स्टील की पाइप, यहाँ पे फ्लेक्सिबल पाइप लगा है जो कि आपके ब्रेक सिलेंडर को यहाँ पीछे से एयर फीड करता है। ये एक एक फ्लेक्सिबल पाइप आपका वो दिखा दिया, दूसरी फ्लेक्सिबल पाइप ये रहती है जो कि ये पाइप आपका डीवी से जो ब्रेक सिलेंडर के लिए प्रेशर निकलता है वहाँ से आती है, मतलब वहाँ से ये दोनों पाइपें आती हैं। ये एक आपका एक एक्सल के लिए है, ये आपके इस एक्सल के लिए, और ये जो दूसरा वाला पाइप है ये आपके दूसरे एक्सल के लिए रहता है। यहाँ देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा जॉइंट दिख रहा है, एक कनेक्टर दिख रहा है। ये कनेक्टर अब हटा दिया गया है क्योंकि यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक में देखिए कई जॉइंट बन जा रहे थे। जॉइंट बनने से वहाँ क्या है, रबर के वाशर लगाने पड़ते थे, वो वाशर पेरिस्ट होकर के उसके होल को ब्लॉक कर देते थे। तो जब प्रेशर को रिलीज होना था तो वो रिलीज होने में टाइम लेता था या दिक्कत करता था, उसलिए गाड़ी में ब्रेक बाइंडिंग होती थी। तो आप जब फील्ड में जाना तो ये भी देखना कि ये जो जॉइंट है ये अभी है या निकाल दिया गया है। आपका जो WSP है उसमें एक ये प्रेशर स्विच लगा रहता है, ये आपका जो ब्रेक पैनल है उस पर ये प्रेशर स्विच दिखेगा। इसका काम है आपके कंट्रोल पैनल के बिजली को ऑन करना, मतलब आपका जो WSP है उसके पावर सप्लाई को ऑन करना। ये कब ऑन होता है, जब इस जब फीड पाइप का प्रेशर इसमें 1.8 से 2 kg के आसपास आ जाता है तब ये उसको ऑन कर देता है, और इसका कोई काम नहीं है। आपके WSP में देखिए ये है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, इसका काम है कि आपके व्हील को स्लाइड नहीं करने देता है, स्लाइड के साथ साथ स्लिप भी नहीं करने देता है। स्लाइड वही है, स्लाइड और स्लिप, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्लाइड का मतलब है कि जैसे आपने अपनी गाड़ी को, मान लीजिए कार या बाइक को ब्रेक लगाया आपने, उसका व्हील तो रुक गया लेकिन वो जमीन पे रगड़ता हुआ जा रहा है, ये होता है स्लाइड। स्लिप होता है कि आपकी गाड़ी मान लीजिए कीचड़ में फंस गई, अब आप गियर डाल करके गाड़ी एक्सीलेटर दे रहे हैं तो व्हील तो घूम रहा है, वहाँ स्लिप कर रहा है लेकिन आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, दिस इज कॉल्ड स्लिपिंग। तो ये WSP आपके व्हील को ना तो स्लाइड करने देता है और ना ही स्लिपिंग करने देता है, क्योंकि गाड़ी को रुकने के लिए जरूरी है कि वो उसका व्हील स्लाइड ना करे और ना ही स्लिप करे। स्लाइड जैसे आपने देखा होगा कि पहले के जो गाड़ियां रहती थी, आप कार देख लीजिए या बाइक देख लीजिए, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि ब्रेक लगाया गया लेकिन गाड़ी अगर पता चला 40 के भी स्पीड में है, ब्रेक लगाया गया तो व्हील तो रुक गया लेकिन वो गाड़ी 10 फीट आगे जाके रुकती थी, आपको टायर के निशान दिखते थे कि रगड़ किया हुआ गया है। आजकल की गाड़ियों में आप देखेंगे उसके टायर रगड़ते हुए आप जो नई गाड़ी आ रही है उसमें आपको नहीं मिलेगा, उनमें भी डिस्क ब्रेक सिस्टम लगा रहता है। ABS हैं, ABS ब्रेक सिस्टम, ABS हाँ, डिस्क ब्रेक सिस्टम के साथ साथ ABS लगा रहता है। ABS का एक्चुअल में ABS का फंक्शन कुछ और भी है, उसमें WSP लगा रहता है जिसकी वजह से वो स्किड नहीं करता है। ABS शायद इसलिए लगा रहता है कि उसमें आपकी स्टीयरिंग को लॉक नहीं होने देता है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं उस टाइम पे आपकी स्टीयरिंग को लॉक नहीं करने देता है वो। तो वो WSP जो रेल इसमें कोच में लगा हुआ है, ये क्या करता है कि आपके चारों एक्सल के स्पीड को उसको मॉनिटर करना पड़ता है। एक्सल की स्पीड को मॉनिटर करने के साथ साथ वो देखता है कि जो व्हील, जिस व्हील का RPM कम हो जाता है उसको मान लेता है कि इसमें ब्रेकिंग हुई लेकिन इसका व्हील जो है रिलीज नहीं हो रहा है, या जब ब्रेक लगाया गया तो पता चला कि
तीन व्हील तो अभी तीन व्हील ठीक है, क्योंकि आपने देखा मतलब आप देखेंगे इसमें कोच में ब्रेक लगाते ही गाड़ी नहीं खड़ी हो जाती है, करीब 800-900 मीटर दूर जा करके गाड़ी रुकती है। तो अगर मान लीजिए ब्रेकिंग किया गया, पता चला कि तीन व्हील का स्पीड, पहले गाड़ी आपकी 130 में चल रही थी, ब्रेक आपने इनिशिएट किया तो पता चला कि तीन व्हील का स्पीड आपका 100 हो गया लेकिन एक व्हील का स्पीड 50 पे आ गया, इसका मतलब कि आपका वो व्हील क्या करेगा, घूमने के साथ साथ स्किड भी करेगा, क्योंकि बाकी तीन तो 100 पे चल रहे हैं तो वो अकेला तो रोक नहीं पाएगा गाड़ी को, तो वो क्या करेगा, अगर उसकी 50 स्पीड है तो 50 स्पीड से तो 100 को कंपनसेट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, घूमने के साथ साथ स्किड भी करता जाएगा। ये आपकी जो स्किड वाली प्रॉब्लम है इसको ये आपका जो WSP है ये सॉल्व करता है, ये उसको नहीं होने देता है, कि मतलब आपका जैसे ही कोई स्पीड बाकी से कम होता है वो क्या करता है, उसके ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रिलीज कर देता है, ब्रेक सिलेंडर के प्रेशर को रिलीज कर देगा तो ब्रेक नहीं लगेगा, उसमें फ्री हो जाएगा। तो उसमें ये भी देखिए कि अगर मान लीजिए उसका ब्रेक फ्री हो गया, अब अगर उसकी टेंडेंसी ऐसी हो रही है कि वो बाकी से उसकी स्पीड अगर ज़्यादा करने कोशिश कर रहा है तो क्या करेगा, वो स्लिप कर सकता है, इसीलिए वो क्या करता है कि उसको रिलीज करने के बाद में फिर ब्रेक लगा देता है। अब फिर ब्रेक लगाने के बाद में अगर ये तीन के कंपेयर में अभी विद इन लिमिट नहीं आता है तो फिर रिलीज कर देता है, मतलब वो ब्रेक लगाता है और रिलीज करता है कब तक, जब तक कि आपके ये जो बाकी व्हील हैं उसके कंपैरिजन में उसकी मतलब उसकी उसका RPM और इनके RPM से मैच नहीं हो जाता है। RPM बिल्कुल 100% मैच नहीं होगा, क्योंकि आपका जो व्हील है उसके डाया में डिफरेंस रहता है। आपको बताया था मैंने कि एक कोच में सबसे छोटा व्हील और सबसे बड़ा व्हील, इसके बीच में कितना mm डाया का डिफरेंस अलाउड है, कोई बताएगा? सेम एक्सल पर 0.5 से। हाँ? सेम एक्सल पर 0.5 mm। 0.5 आप लोग कोई नोटबुक रखते हो कि नहीं नोट करने के लिए? क्यों नोटबुक रखते हो कि नहीं रखते हो? अरे बोलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है तो ये नोटबुक कोई रखते हो कि नहीं तुम लोग? कथा मत सुनो, कथा समझते हो ना सर? किताब नहीं ली है। क्या चीज? किताब सर नहीं है। किताब नहीं है? बुक सर नहीं है सर। अरे मैं नोटबुक की बात कर रहा हूँ लिखने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं जो बोलता जाता हूँ वो आपको याद थोड़ी रहेगा, बहुत सारी चीजें ऐसी रहती हैं जो कि वहां लिखा नहीं रहता उसको भी मैं बोलता हूँ, कुछ चीजें हैं लिखी रहती हैं उसको मैं बोलता हूँ, तो उसमें से सारी चीजें नोट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीजें आपको नोट करना चाहिए। कथा सुनने से थोड़ी काम चलेगा, कथा सुनोगे इधर से इस काम से सुनोगे दूसरे से निकल के बाहर हो जाएगा। वो आपके एक कोच में 13 mm जो सबसे छोटा व्हील रहता है और सबसे बड़ा व्हील के डाया में 13 mm का डिफरेंस रहता है, तो जब आप RPM चेक करोगे एक ही स्पीड में तो चारों के RPM एक जैसे नहीं रहेंगे, उसमें डिफरेंस रहेगा, जो बड़ा व्हील है उसका RPM कम रहेगा, जो छोटा है उसका RPM ज़्यादा रहेगा। ये RPM में जो डिफरेंस आता है उसको वो
नेगलेक्ट मानता है, मतलब उस इस आरपीएम के डिफरेंस को वो नहीं पकड़ता है, जो डब्ल्यूएसपी को उसमें जो एक माइक्रो प्रोसेसर लगा रहता है उसमें जो प्रोग्रामिंग की गई है उसको ये बताया गया है कि अगर व्हील के आरपीएम में इतने का डिफरेंस आता है उसको आप नहीं पकड़िए, ठीक है। तो अब उसमें एक चीज आती है कि वो आरपीएम को चेक कैसे करता है, आपका व्हील जो है मतलब आपका जो माइक्रो प्रोसेसर है वो आपकी गाड़ी का आरपीएम, एक्चुअल में आरपीएम ही चेक करता है। अब आरपीएम से चाहे आप स्पीड निकालिए चाहे जो निकालिए, लेकिन बेसिकली वो चेक करता है आरपीएम। तो आपने जैसे बाइक में देखा होगा या सभी आपके बाकी गाड़ियों, जैसे पुरानी बाइक में क्या लगा रहता था, स्पीडोमीटर में नीचे उधर एक फ्री केबल मतलब ये वायर रोप लगा रहता था, उसके नीचे गियर रहता था, वहां से वो जैसे आपका व्हील घूमता था उसके हिसाब से वो गियर से घूमता था और आपका स्पीडोमीटर घूमता था। लेकिन अब शायद गियर सिस्टम नहीं होगा, अब वहां भी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से वो काम करता होगा। सेम चीज वहां का मुझे आइडिया नहीं है क्या है, यहाँ है आपके हर एक्सल पे एक ये फोनिक व्हील है, ये फोनिक व्हील लगा रहता है, इसमें तीन होल हैं, ये तीन होल से एक्सल पे होल रहता है एक्सल के एंड पे, और इसमें स्टड लगा करके इसको टाइट कर देते हैं एक्सल पे। एक्सल पे टाइट होने के बाद में आपका ये इसके टीथ आ जाते हैं, ये है आपका, इसको बोलते हैं स्पीड सेंसर केबल, ये वाला, ये जो ब्लू वाले केस में दिख रहा है स्पीड सेंसर केबल, ये सेंसर इस टीथ के सामने लगा रहता है, टच नहीं करता है, ये इसमें 0.9 से 1.4 mm के गैप पे रखा रहता है वो। तो जब ये रोटेट करता है तो उसके अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं, उससे एक वोल्टेज डेवलप होता है, वोल्टेज